हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब टू द होल पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब टू द होल पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द होल पावर 12 इज। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए सारी पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। देखिए पहली पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 0, 1, 2, यानी कि इस एक्सपेंशन में अगर हम आर की वैल्यू 0 ले लें, इस एक्सपेंशन के लिए आर की वैल्यू 1 ले लें, इस एक्सपेंशन के लिए आर की वैल्यू 2 ले लें, तो हमें एक्स की पावर 11 मिलेगा। इसके बाद 1, 3, 0 पर मिल जाएगा। इसके बाद 2, 1, 1 के लिए मिल जाएगा, और इसके बाद 4, 1, 0 के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सारी वैल्यूज अगर हम लोग निकालें तो रिक्वायर्ड कॉफिशियंट हमारे क्या निकलेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग 4c0 इंटू 7c1 इंटू 12c2, एक तो ये मिलेगा। प्लस सेकेंड पॉसिबिलिटी से क्या मिल जाएगा, 4c1 इंटू 7c3 इंटू 12c0 प्लस 4c2 इंटू 7c1 इंटू 12c1, ठीक है, प्लस 4c4 इंटू 7c1 इंटू 12c0। ये सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब देखिए सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 4c0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 7 इंटू 66 प्लस, यहां पर 4c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 35 इंटू 1 प्लस, यहां पर 4c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 7 इंटू, यहां पर आ जाएगा 12 प्लस, यहां पर कितना आएगा, 1 इंटू 7 इंटू 1। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहां पर कितना आ जाएगा, 7 6 42 और ये आ जाएगा 462 प्लस 140 प्लस 504 प्लस 7, इन सबको ऐड करते हैं, देन वी गेट 1113 जो कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।